सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। हमेशा से एक भाई की ख्वाहिश रही है मुझे, जो बिल्कुल अम्मी की तरह मुझे दिलासा और तसल्ली दे सके, जैसे अभी आपने दी। और अल्लाह ने आपकी सूरत में मुझे भाई दे दिया, और इस रिश्ते से मजबूती और भरोसा। अपना मोबाइल दो मुझे। ये अपना नंबर सेव कर दिया। आपने नंबर भाई के नाम से सेव किया है। अपने नाम से मुझे मैसेज कर देना, मैं तुम्हारा नंबर सेव कर। जी भाई। चाय पिलाओगी? मैं अभी बना कर लाती हूँ। नंबर तो मिल गया, लेकिन मुझे हर वक्त किसी न किसी बहाने से दिलावर से टच में रहना होगा, ताकि उसका एतमाद जीत सकूं। आपकी बहन गुड। अस्सलाम वालेकुम दिलावर भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। ये गौहर का नंबर क्यों ऑफ जा रहा है? बात करा उससे मेरी। जी मैं अभी करवाती हूँ, अभी आपके लिए कॉल है। मेरे लिए तुम्हारे पास किसकी कॉल आई है? बात करें। ओह अच्छा, हाँ हसन बोलो। तुम्हारा नंबर क्यों ऑफ मिल रहा है? फोन तो ऑन है मेरा। जो भी मसला है देखो उसे और फिर अपने नंबर से मुझे कॉल करो। हाँ मैं करती हूँ। दिलावर ने तुम्हारे नंबर पे क्यों कॉल की? तुमने उसे अपना नंबर दिया? मैंने नहीं दिया, उन्होंने खुद मांगा था मुझसे। और तुमने मुझे बताया तक नहीं? खामोश नहीं? अभी मुझे लगा कि ये बात इतनी अहम नहीं है। ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है। जानती हूँ मैं, जान बूझ के तुमने उसे अपना नंबर दिया और जान बूझ के तुमने मुझसे छुपाई है ये बात। इसके पीछे तुम्हारी क्या नीयत है अच्छी तरह पता है मुझे। ऐसा कुछ नहीं। आप अगर आप मुझ पर शक कर रही हैं तो मैं अभी दिलावर भाई का नंबर डिलीट कर देती हूँ। डिलीट करने से क्या होगा? उसके पास है ना तुम्हारा नंबर। तो आपकी जब दिलावर भाई से बात हो तो आप उन्हें कह दीजिएगा कि वो भी मेरा नंबर डिलीट करे। खबरदार खबरदार, जो तुमने दिलावर से अब इस बारे में कोई बात की तो ना दिलावर से, ना हसन से और ना ही साकिब से। तुम दोनों में से कोई भी किसी से भी ये बात नहीं करेगा। सुन लिया तुम दोनों ने? हाँ बोलो गुलरुख। आपकी आप ही से बात हुई? हाँ बात हो गई है मेरी उससे। क्यों क्या हुआ? और तुम्हारी आवाज को क्या हुआ है? तुम रो रही हो क्या? नहीं बस ऐसे ही। बताओ मुझे, क्या आप ही ने आप पर भी गुस्सा किया है? मुझ पर गुस्सा क्यों करेगी वो? हुआ क्या है? आपकी कॉल बंद होने के बाद आप ही ने मुझे बहुत बातें सुनाई है। कह रही थी कि आपकी कॉल मेरे नंबर पर क्यों आई? मेरे पास आपका नंबर कब और कैसे आया? मतलब वो अगर उमर के बहाने जहांगीर को मिलने जाए या उनसे फोन पर बात करें तो वो ठीक है, लेकिन हम बहन भाई रابطے में नहीं रह सकते क्योंकि वो गलत है। शिकायत नहीं कर रही हूँ आपसे, लेकिन उनकी बातें मेरे दिल को काट गई। मैं
में रह नहीं सकी तो इसलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट करने के लिए कॉल की कि अब से ना मैं आपको रابطہ करूंगी और ना ही आप मुझे रابطہ करेंगे। दिलावर भाई मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपके और आपी के दरमियान कोई इख्तलाफात पैदा हो। इससे तो बहुत अच्छा है कि मैं अपना भाई खो दूं। मैं बात करता हूं उससे। ऐसे कैसे वो तुमसे इस तरह बात कर सकती है? नहीं नहीं दिलावर भाई, आप आपी से कुछ भी नहीं कहेंगे, आपको मेरा जीना हराम कर देंगे और हसन से सब कुछ कह देंगे। हसन और मेरे बीच में पहले ही मामला ठीक नहीं है और ये सब कुछ पता चलने के बाद मामला तो और खराब हो जाएंगे। देख लूंगा, तुम परेशान बिल्कुल मत हो। दिलावर भाई आप कुछ भी नहीं करेंगे, अपनी बहन का मान रखेंगे। मैं आपको दिल से भाई मान चुकी हूँ। लेकिन गुल्लुक, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि हम रिश्ते नहीं बनाते और जब बना लेते हैं तो उसे मरते दम तक निभाते हैं, ये बात याद रखना। और मैं इस सिलसिले में गौर से खुद आकर बात करूंगा। क्या मसला है, ये उमर ने अपना फोन क्यों ऑफ कर दिया? 3 घंटे हो गए इसको कहे गए, अब तक वापस नहीं आया। अल्लाह क्या करूं, कहां चला गया लड़का, फोन भी बंद है। कहीं जहांगीर की तरफ तो नहीं? हेलो उमर, तुम्हारी तरफ आया है ना? तुम्हें क्यों इसकी इतनी फिक्र हो रही है? जो पूछा है उसका जवाब दो मुझे। तुमने इसे घर से निकलने ही क्यों दिया? मुसीबत खड़ी कर दी है इसने, पता है तुम्हें कुछ? मैंने कहा बताओ मुझे उमर कहाँ है वरना। उमर, कहाँ है मेरा बेटा उमर और जहांगीर कहाँ है? बेटा जहांगीर ऑफिस में है और उमर तो यहाँ नहीं है। झूठ झूठ मत बोलो मुझसे, बताओ मुझे। आप मेरी अम्मी से इस तरह से बात नहीं कर सकती, मुझे मेरा जवाब चाहिए, बताओ मेरा बेटा कहाँ है? खुद आप उमर को यहाँ से लेके गई हैं और फिर हमसे पूछ रही है कि उमर कहाँ है? हमें क्या पता उमर कहाँ है? जहांगीर ने अगवा किया है ना उसे, जमीन आसमान एक कर दूंगी, ऐसा केस डालूंगी ना उसमें कि याद करेगा वो। ठीक है, जब वो आएंगे ना तो ये बात उनके सामने करना। तुम दोनों माँ बेटी की मिली भगत है ये जानती हूँ मैं। गलत रहनी है आपकी, बकवास बंद करो अपनी और बताओ कि मेरा बेटा कहाँ है। गौर बेटा हम सच कह रहे हैं। उमर, उमर आपको समझ नहीं आई कि उमर यहाँ नहीं है? 2 मिनट में बता दो मुझे कि मेरा बेटा कहाँ है वरना तुम दोनों को धक्के मार के इस घर से निकाल दूंगी और इतना शोर मचाऊंगी ना कि मोहल्ला इकट्ठा हो जाएगा, इज्जत बराबर कर दूंगी अभी मैं दोनों की। हाँ बोलो साकिब, कहाँ हैं आप? जहांगीर के घर में, उसने जबरदस्ती उमर को कहीं छुपा दिया है। फजूल बातें मत करें और फौरन घर वापस आएं। मैं उमर को लिए बगैर यहाँ से नहीं आऊंगी, छोड़ूंगी नहीं मैं जहांगीर को। मेरी जहांगीर से अभी बात हुई है आपकी, मैंने उसे कहा है कि उमर को लेके यहाँ आए, रास्ते में है, पहुँच रहा है, आप फौरन घर आए। मुझे ये बताओ कि क्या हुआ है मेरे बच्चे को, क्यों नहीं आया, अब तक बताते क्यों नहीं हो? अभी आपको पता होना चाहिए कि उमर कहाँ है इस वक्त। भाई अपने दोस्त के घर का कह के गया था मुझसे। क्यों जाने दिया था आपने? फजूल बातें मत करो, जो पूछ रही उसका जवाब दो। आप ही आराम से बात करें, ये सब उस ढील की वजह से जो आपने उसको दी है। फोन अभी के अभी फोन दिलाओ, बताओ कब आएगा वो? उमर आ जाएगा आप ही, लेकिन अब आपको एक बात समझनी होगी कि उसका अपने बाप के साथ रहना ही बेहतर है अब। तो ये बात है, मेरा बेटा बर्दाश्त नहीं हो रहा तुम दोनों से, है यही बात है ना? उमर मेरा बच्चा कहाँ चले गए थे तुम? कहाँ लेके गए थे तुम इसे? मैं तो इसे लेकर ही नहीं आया, साकिब ने मुझे मजबूर किया इसलिए मैं इसे लाया। अगर नहीं लाते ना तो जान से मार देती मैं तुम्हें। अभी पुलिस स्टेशन से लेकर आए हैं ये उमर को। हाँ पुलिस स्टेशन, और इसके पास से ये पैसे भी निकले। इतने पैसे देकर तुम इसे बिगाड़ रही हो,
क्या समझती हो, इन पैसों से तुम खरीद लोगी मेरे बेटे को? नहीं नहीं नहीं, मैंने ये पैसे नहीं दिए इसको। तो फिर कहाँ से आए इसके पास ये पैसे आपी? उमर बेटा बताओ कहाँ से आए तुम्हारे पास ये पैसे? बस कर दो गौर, बंद कर दो अपना ये ड्रामा। मैं उमर को अब यहाँ नहीं छोड़ूंगा, ये मेरे साथ जाएगा। मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही और ये कहीं नहीं जाएगा। ये मुझसे अपने दोस्त के घर का कह के गया था, पैसे मैंने नहीं दिए। बताओ उमर बेटा, मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिए। बताओ इनको किसने दिए तुम्हें पैसे? बताते क्यों नहीं तुम उमर, बताओ किसने दिए थे पैसे? मामा ने। झूठ बोलते हो? हाँ? गौहर बहुत हो गई, अब मैं मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगा। चलो बेटा। नहीं रुको रुको जहांगीर, रुको उमर। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.